ऐसे कैसे चलेगा भैया? हाँ, शादी ब्याह का घर है, लड़के वाले आए हुए हैं। अब बहू अगर ऐसे इधर से उधर मटकती रहेगी तो लोग तो ताना मारेंगे ही ना, लड़के वाले तो दूसेंगे ही ना। इनका क्या है, ये तो उठेंगी और चली जाएंगी। रहना हमें है इस गांव में, लोगों के ताने हमें सुनने पड़ेंगे। चलिए जाने दीजिए, आपसे तो कुछ नहीं होगा, आपके मुंह में तो बोली ही नहीं है, हमें ही बोल दीजिए, हम ही बोल देते हैं बहू को कि कल से साड़ी पहन के रहे और सर पे पल्लू रखे। भैया से कुछ नहीं हो सकता है। एक हमारा जमाना था, अगर सर से थोड़ा सा पल्लू खिसक जाता था तो हमारी सास इतना ताना मारती थी कि हमारा जीना हराम कर देती थी। हाँ, इनका क्या है, ये तो हमारी शादी में क्या दिए थे, एक छोटा सा रेडियो, और आज अपनी बेटी को क्या दे रहे हैं, बड़ा वाला एलईडी टीवी। मेरे पति को क्या दिए थे, एक साइकिल। अपने दामाद को क्या दे रहे हैं, अरे वही चार पहिया, और क्या। इनके सामानों को देख के मेरी सास इतना मुंह फुला के बैठी थी, कितने दिनों तक तो मुझसे बात भी नहीं की थी। क्या कीजिएगा, जमाना ही वही है, बुआ की तो कोई इज्जत ही नहीं है। हमने खाया कि नहीं खाया, चाय पिया कि नहीं पिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, सभी लगे हैं नए दामाद को उतारने में। अब हम करें भी तो क्या करें, हमारा तो मायका है, हमको तो आना ही है, चाहे ये लोग आदर करें या ना करें, आना तो पड़ेगा ही।